पिछली बार दिल्ली गया था तब मैंने पापा के ऊपर लिखा था तो बोला था, इस बार मम्मी के ऊपर लिखा है तो बोलना चाहूंगा कि इन गर्दिशों का मारा हूं मैं थोड़ा पागल आवारा हूं, इन गर्दिशों का मारा हूं मैं थोड़ा पागल आवारा हूं, जहन में अजीब सवाल पनपते हैं, एलिया की तरह मैं भी मोहब्बत में आ रहा हूं। क्या फर्क पड़ता है दुनिया वालों से, क्या फर्क पड़ता है दुनिया वालों से, मैं तो आज भी मेरी माँ का इकलौता सितारा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। एक सुनिएगा कि कोई था साथ तुम्हारे, कोई था साथ तुम्हारे, उसे तुम बीच रास्ते में छोड़ रही हो, यूं ही नहीं तबीयत खराब रहती मेरी आजकल, शायद रकीब के इश्क में मेरे साथ किए वादे तोड़ रही हो। शुक्रिया। एक्चुअली ये मैंने ना तुक्के मार के लिखी थी कोई रियलिटी नहीं है, और भाई ने बोला था कि दूसरों की बहन बेटियां माल लगती है, तो भाई बुरा मत मानना, मैंने माल वाल ऐसा कुछ वर्ड यूज नहीं किया, बाकी फिर भी लिखा है कि कल रात लिखी मैंने एक गजल, एकदम कमाल की है, कि कल रात लिखी मैंने एक गजल एकदम कमाल की है, जिसके ऊपर लिखी मैंने गजल, लड़की वो बवाल सी है, आंखों में काजल बालों में कजरा, आंखों में काजल बालों में कजरा, माथे पे बिंदिया और सर पर ओढ़ के ओढ़नी, सर पे ओढ़ के ओढ़नी, जब गली से वो गुजरे लड़की लगती एकदम बोकाल सी है, लड़की एकदम बवाल सी है। अरे तुम एक बार देख क्या तारीफ करते हो, अरे तुम एक बार देख क्या तारीफ करते हो, मैंने हजार दफा देखा उसको, फिर भी मेरे लिए वो एक सवाल सी है। हाँ पता है शायद इस जन्म में वो नहीं मिलेगी मुझे, हाँ पता है इस जन्म में नहीं होगी वो मेरी शायद, फिर भी बता रहा हूँ आपको, लड़की एकदम कमाल सी है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और है कि एक बात बताओ जरा, एक बात बताओ जरा, इस रूठने मनाने में क्या रखा है, बेफिजूल बातें करता है ये जमाना, अजी छोड़ो जमाना, जमाने में क्या रखा है। एक और लिखा था मैंने कि मन चाहे जितने इल्जाम लगाने दो उसे, कि मन चाहे जितने इल्जाम लगाने दो उसे, क्योंकि वो मेरी जिंदगी का अधूरा सच जानता है, और खुद ने तो गेरों से इश्क फरमा लिया मेरे बाद, खुद ने तो गेरों से इश्क फरमा लिया मेरे बाद, और कहता है वो कि मुझे अब भी जिंदगी मानता है। शुक्रिया। कि एक और लिखा था मैंने कि कोई मुझे भी जरा तमीज सिखा दो यारों, कोई मुझे भी जरा तमीज सिखा दो यारों, मुंह पर सच सुन लोग मुझे बदतमीज कहते हैं, मुंह पर शहद दिल में मतलब वाले लोग अक्सर लोगों के दिलों दिमाग में रहते हैं। शुक्रिया। चाय के ऊपर लिखा था, आजकल सब यहाँ पे अधिकतर लोग चाय के आशिक ही बैठे होंगे तो बुरा मत मानना कि सोच के वफा की सब सांवले रंग के दीवाने हो रहे हैं, सोच के वफा की सब सांवले रंग के दीवाने हो रहे हैं, चाय का कोई एक नहीं कई लोग दीवाने हो रहे हैं, चाय का कोई एक नहीं कई लोग दीवाने हो रहे हैं, भूल गए हैं लोग, भूल गए हैं लोग, चाय में भी फ्लेवर आ गए बाजार में आजकल, भूल गए हैं लोग, चाय में भी फ्लेवर आ गए हैं बाजार में आजकल, वो पुरानी चाय पिए तो आजकल जमाने हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक लास्ट मैंने पापा के ऊपर लिखा था कि आपकी खुशी के लिए मैं खुद की हस्ती मिटा दूंगा, और उंगली उठी जो किसी घर से खिलाफ आपके, वादा रहा पापा मैं उसकी पूरी बस्ती मिटा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, थैंक यू।